हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो दिस इज़ पार्ट थर्टी सिक्स ऑफ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड इस पार्ट के अंदर बेसिकली जो करंट अफेयर्स हमने कवर अप किए हैं एक ना आई सी ए आर आप सब जानते हो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसकी ना मैगजीन आती है एक करंट हैपनिंग्स की क्वार्टरली मैगजीन होती है वो थ्री मंथ्स की मैगजीन होती है अभी लेटेस्ट जो है वो आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली तो आई नहीं है जुलाई सितंबर की जो है वो लेटेस्ट है अभी तक की तो वो जुलाई सितंबर वाली जो मैगजीन है उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा सात आठ क्वेश्चन हैं वो मैगजीन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे अट्ठाईस पेज की है लेकिन उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी होती हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो पेपर के अंदर आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं तो ये आई की क्वार्टरली रिपोर्ट में से बेसिकली ये करंट अफेयर

एंड टू थाउजेंड प्लस नॉन विडियो एमसी क्यू कोर्स ले लो बेटा अभी एंड तीन सौ रुपए में अभी ये कोर्स पड़ेगा आने वाले टाइम में कोर्स एक काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि हम इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं हमारा ऐसा नहीं है कि हमने इसको एक बार बना दिया और छोड़ दिया इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम हो रहा है और ये कोर्स बहुत बढ़िया बनने वाला है जब तक आपका अगले बार जब आपने बाढ़ दोगे आई बी पी एसओ दोगे तो आपको सेम प्राइस पे ही पड़ेगा ये नहीं तो डेफिनेटली इट विल गो अप चले पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो रोडेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर होता है पेडी फील्ड के अंदर कितना होता है पेडी फील्ड में राइस फील्ड्स में स्पेसिफिकली रोडेंट्स की वजह से ऑप्शन ए है एट टू टेन परसेंट बी है फिफ्टीन टू ट्वेंटी सी थर्टी थ्री परसेंट डी इज फोर्टी टू फोर्टी फाइव एंड ई इज अबव सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है लेकिन अगर ये कहीं पढ़ा है तभी आंसर कर सकते हैं है ना इसमें नहीं तो आ, अगर कहीं पे पढ़ा नहीं हुआ या कहीं पर आ, इसके बारे में आ, देखा नहीं है तो डेफिनेटली इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि आइडिया नहीं लगता है ना इतनी सारी नॉलेज कहाँ से क्योंकि हर किताब के अंदर ये पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे ठीक है सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज ऑप्शन आठ से दस परसेंट आठ से दस परसेंट का जो है एनुअल लॉस यील्ड के अंदर देखने को मिलता है पेडी फील्ड में बिकॉज ऑफ रॉडेंट ठीक है जो आपके चूहे वगैरह होते हैं ओके okay, सो so, ज्यादातर ये इफेक्ट करता है जो छोटे किसान होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हर कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम है एशिया के अंदर तो पांच से अगर पूरे एशिया की बात करें तो पांच से दस परसेंट का डैमेज होता है इंडिया के अंदर डैमेज जो होता है रॉडेंट से पेडी क्रॉप में आठ से दस परसेंट का रहता है एनुअली ठीक है चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए सेकंड क्वेश्चन इज ऑम बी विच वॉज न्यूज़ इज़ ये सारे क्वेश्चन आईसीएर के मैगजीन से हैं तो ऑम बी रिसेंटली जो न्यूज में था ये क्या है ऑप्शन ए कि ये एक कंपोस्ट डीकम्पोजर है जो कंपोस्ट होता है उसको क्विक डीकम्पोज करने के लिए मिल्क फैट मॉड्यूलेटर है फर्टिलाइजर है 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 या है? अब देखो इसके अंदर चाहे आपने जिस मर्जी फील्ड में एग्रीकल्चर में पढ़ाई की हो अगर इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो कैसे आंसर करोगे है ना इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पढ़ते हुए थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई तो करना है लेकिन डाइवर्सिफाई भी एक स्मार्ट वे में करना है ठीक है आपका अगर आप खुद वो मैगजीन्स पढ़ने लगोगे ना बहुत ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा इसीलिए यहां पर आपको एक शॉर्टर फॉर्म में आपर, -फट यहां पर फटाफट यहां पर क्वेश्चन हो रहे हैं ओम बी जो है आपका क्या है बेटा ये एक मिल्क फैट मॉड्यूलेटर है क्या है milk fat modulator है मिल्क फैट मॉड्यूलेटर तो ये बेसिकली डेवलप किया है आईसीएआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी ने और ये अब इस प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज कर रहे हैं बेसिकली ओम्बी अगर आप प्रूमिनेंट्स को काउ बफेला वगैरह को फीड करते हो तो उससे क्या होता है उनके जो मिल्क होता है ना मिल्क के अंदर जो मोनो uh, या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है ना उनमें इंक्रीज देखने को मिलता है साथ ही साथ इससे uh, जो मिल्क के अंदर लिनोलिक uh, एसिड होता है या ओमेगा फैटी एसिड होते हैं वो भी इंप्रूव होते हैं तो मिल्क की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए काफी यूजफुल इसको कंसिडर किया जाता है तो इसलिए ये क्या है एक मिल्क फैट मॉड्यूलेटर है जो रूमिनेट्स को फीड किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी माइस्टेस ग्यूलियो इज अ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ कैटफिश की स्पीशीज है मशरूम की स्पीशीज है सिल्कवॉर्म की स्पीशीज है हनी भी या फिर नन ऑफ दी अब इस केस में राइट right आंसर क्या होगा दोस्तों द राइट आंसर विल बी ऑप्शन है कैटफिश ओके तो ये एक यूरी हेलाइन कैटफिश है यूर हेलाइन मैंने आपको एग्रीकल्चर स्टैटिक के वन ऑफ द क्वेश्चंस मैंने मैंने कराया था था आपको आपको पे अगर कोई बच्चा रेगुलरली वीडियोस वॉच कर रहा है उसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं सॉल्टी के अंदर भी फ्रेश के अंदर भी ब्रैकिश के अंदर भी ठीक है इसको लोकली नोना टेंगे कहा का जाता है ये भी याद रखिएगा एंड इंडिजीनियस फिश स्पीशीज है स्मॉल होती है छोटा साइज होता है और सुंदरबन डेल्टा में अबेंडेंटली uh, ये आपको मिलेगी माइस्टेस क्यूलियो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है आईसीएआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज लोकेटेड इन ये तो देखो ये वाले क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं सारे आईसीएआर इंस्टीट्यूट की लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए ऑप्शन ए है हिसार भोपाल बेंगलुरु मुंबई एंड अन ऑफ दब टाइम टू टाइम मैं आपको ये क्वेश्चन डालता रहता हूँ बीच बीच में है ना सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज ऑप्शन बी भोपाल भोपाल जो है वहां पर आपका आईसीएआर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लोकेटेड है क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी काशी मनु काशी मनु किस चीज का वेरायटी है काशी मनु इज अ वेरायटी ऑफ ऑप्शन है टोमेटो पोटैटो वॉटर स्पिनेज कैरेट या नन ऑफ दी अब अगेन पढ़ा हुआ है तो ही पता है क्योंकि इतनी सारी वेरायटीज हैं सारी वेराइटीज है, आपको याद हो वो हो नहीं सकता लेकिन ये स्पेसिफिकली मै, मैगजीन आईसीएर की मैगजीन के अंदर मेंशन था इसीलिए हम इसको पढ़ पढ़ रहे हैं तो काशी मनु बेसिकली क्या है बेटा ये वाटर स्पिनेज का एक वेरायटी है ठीक है वाटर स्पिनेज का एक वेरायटी है वाटर स्पेनेज को काफी यूज किया जाता है एज अ फूड एंड क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं मिनरल्स देखा आपने वो बचपन में वो आ, आता था ना कार्टून पॉपॉय तो पोपॉय को भी तो शक्ति किससे मिलती थी स्पेनेज खाता था ना वो है ना तो लीव्स काफी मिनरल रिच होती हैं विटामिन होते हैं ठीक है प्रोटीन भी कहा जाता है कि इसमें ठीक ठाक रहता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी होती हैं आयरन में रिच होता है ठीक है तो स्पेशली जो पीपल जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है एनीमिया बेसिकली किस वजह से होता है आयरन की डिफिशियंसी से होता है ना तो जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो आयरन को अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड करें ठीक है फाइबर के अंदर रिच होता है डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है ठीक है एंड इस प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एडिबल होते हैं एंड वाटर लॉक्ड एरियाज में जनरली इनको ग्रो किया जाता है ये पॉइंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप कोई क्वेश्चन डाल देता है तो वहां पर आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी, तो पहला ए है कि एज स्नेक हेड्स अच्छा जी दूसरा कहता है कि ये फ्रेश वाटर फिशेज हैं. ओके जी तीसरा कहता है कि बायो एक्टिव कंपाउंड में रिच है ठीक है जी ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव ई कहता है नन ऑफ अबव आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये करेक्ट इनकरेक्ट का बड़ा खेला होता है भाई अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा सबसे पहले तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर दिया होता तो आंसर चेंज जाता, तो हो जाता तो आंसर हो जाता ई नन ऑफ दी अबव क्योंकि ये सारे करेक्ट हैं ठीक है म्यूरल्स को स्नेक हेड बोला जाता है ओके एंड बेसिकली एक्वाकल्चर के लिए इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा इसका कंसिडर किया जाता है क्योंकि ग्रोथ रेट काफी अच्छा है और स्टॉकिंग रेट भी बहुत अच्छा है ओके एंड मेडिसिनल वैल्यूज हैं फ्रेश वाटर फिश है बायो एक्टिव कंपाउंड में रिच है इसीलिए इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज uh, काफी अच्छी हैं एल्ब्यूमिन एम्यूनो एसिड्स में रिच है जैसे ग्लाइसिन लाइजिन एर्गेन ठीक है फैटी एसिड्स जो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं गैस्ट्रो प्रोटेक्शन में डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करने में एंटी में हीलिंग प्रोसेस के अंदर जो हेल्प करते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है एंड ये तेलंगाना का बेटा स्टेट फिश भी है जो आपका ये स्ट्रिप्ड म्यूरल होते हैं ना ये तेलंगाना का स्टेट फिश भी है ये भी याद रखिएगा चलिए जी सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाए एंड ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर लेक्चर का स्वलबार्ट ग्लोबल सीड ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है मैगज़ीन के अंदर मेंशन था तो मैंने इसको डाल दिया यहां पर सो ग्लोबल सीड वॉल्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री ऑप्शन है फिनलैंड बी डेनमार्क सी नॉर्वे डी स्वीडन एंड ई आइसलैंड तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों

एंड बेसिकली ये किस लिए है ताकि सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके क्योंकि चेंजिंग क्लाइमेट और कंडीशंस की वजह से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि फ्यूचर यूज के लिए वो रेडी रहे ओके okay, और इंडिया ने काफी इसके अंदर डिपॉजिट्स किए हैं 26 फरवरी 2008 को इस सीड वोल्ट को ओपन किया गया था ठीक है गाइस सो द सेवन क्वेश्चंस फ्रॉम जुलाई टू सितंबर एडिशन ऑफ आईसीएर करंट अफेयर्स अपडेट मैं ना पिछले भी कर दूंगा ठीक है तो जैसे अभी जुलाई से वाला था ठीक है एक आपका जो है अप्रैल में जून वाला होगा वो भी यहाँ पर कर दूंगा जनवरी फरवरी मार्च वाला भी तो 2022 की तीनों मैगजीन यहाँ पर कवर कर दूंगा अगले दो लेक्चर्स के अंदर और तब तक हमारा फिर अक्टूबर से दिसंबर वाला भी कभी भी आ सकता है वो भी मैं यहां पर डाल दूंगा ठीक है तो आपको खुद से वो रीड करने की जरूरत नहीं है उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे यहाँ पर कवर मैं करा दूंगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बस आपने वो करना है वो आपकी जिम्मेदारी है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय